सपना देखने के लिए बस एक चीज की जरूरत पड़ती है, साहस की। लेकिन कुछ लोग सपना देखने में कंजूसी करते हैं कि कांस्टेबल बन जाए तो बहुत अच्छा है, सपना देख। लोगन ने कहा कि सर आपने कहा था कि अगर कांग्रेस पावर में आ जाएगी तो राम मंदिर में फिर से ताला लग जाएगा। बोले कब कहा था? मैंने कहा ही नहीं। तो मालिक ने जिसको भी आशीर्वाद देना होता है, सपना तो सब देखते हैं, तो जिसको भी भगवान को आशीर्वाद देना होता है उसको ये दे देता है, ये कि देख बड़े बड़े सपने। क्या करेंगे लोग, मजाक उड़ाएंगे तेरा? कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उसका पीठ ठोक रहे। जय वंश। नेपोटिज्म हमारी कंट्री में इसलिए है क्योंकि हमारी कंट्री मोनार्की से बाहर निकल ही नहीं पाई। इनर पावर है ना, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है। अमेरिका के राष्ट्रपति के कंधे पे हाथ ठोक देना की बस की बात है ना। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उसका पीठ ठोक रहे। और क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है उस आदमी का? कोई भी ट्रॉल करता है, कोई भी कुछ भी बोलता है। हाँ, अकेले में पा जाएंगे तो पता नहीं क्या करें। टीम बना रखी है एक शानदार लोगों की, नेसेसिटी पता कर रखी है इस कंट्री की, बोलने में घबराते ही नहीं, अपनी कही हुई बात को काट देते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। अमित देवगन ने कहा कि सर आपने कहा था कि अगर कांग्रेस पावर में आ जाएगी तो राम मंदिर में फिर से ताला लग जाएगा। बोले कब कहा था? मैंने कहा ही नहीं। अब उतना कॉन्फिडेंस जिसके पास है फिर वो साइड से दिखाता उस स्टेटमेंट को। सपना जो है सब देखते हैं, ये बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही। सपना जो है ना, सपना ड्रीम, वो सब देखते हैं। और सपना देखने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पता है, सपना देखने के लिए कोई पैसा नहीं देखना है, नहीं देना है। सपना देखने के लिए बस एक चीज की जरूरत पड़ती है, साहस की। लेकिन कुछ लोग सपना देखने में कंजूसी करते हैं कि कांस्टेबल बन जाए तो बहुत अच्छा है, सपना देख रहे हैं। तो मालिक ने जिसको भी आशीर्वाद देना होता है, सपना तो सब देखते हैं, तो जिसको भी भगवान को आशीर्वाद देना होता है उसको ये दे देता है, ये कि देख बड़े बड़े सपने। क्या करेंगे लोग, मजाक उड़ाएंगे ना तेरा? कोई बात नहीं। पीछे लिखे ना, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू। जिसको भी भगवान को आशीर्वाद देना होता है उसको ये दे देता है। तो डॉक्टर अंबेडकर को दे दिया। आज अगर किसी दलित लड़के को स्कूल के बाहर बैठा दिया, एससी एसटी एक्ट, टीचर 6 महीना अंदर। पर डॉक्टर अंबेडकर को कुछ बातें क्लियर थी कि पढ़ना है भाई हमको, बाहर बैठाओ, छत पे बैठाओ, हमें बस सुना ही पढ़ना चाहिए। पढ़ लिया उस आदमी ने। पढ़ लिया, साहस था। जिस पे भी भगवान खुश होता है उसको ये देता है, क्योंकि ये तो सबके पास। कितना भिखमंगा आदमी, उसे पूछो कि सुष्मिता सेन से शादी करोगे? अरे नहीं भैया। नहीं करोगे कि नहीं? अरे भैया, अब करोगे नहीं? भैया वो करेगी तो कर लेंगे। ये तो जब भी कोई समान परिवार का आदमी पर भगवान ब्लेसिंग डालता है ना, ये दे देता है। और इसके साथ एक चीज और दे देता है, अंडरस्टैंडिंग, साहस और समझ, दो चीजों का कॉम्बिनेशन।
और वो समझ तो मोदी जी के पास दोनों है। आज शाम को फिर आएगा। यथार्थ गीता वाला शो देखते हो मेरा? कितने लोग नहीं देखते? अरे देखो यार, खासकर ये जो शो आने वाला है इस संडे वाला, वो जरूर देखना। आज जो शो आएगा वो उस पे रे अवध ओझा पे, यथार्थ गीता वाला आज का देख लो, फिर जिंदगी में कभी मत देखना। क्योंकि तुम सबको एक दिक्कत है कि मेडिटेशन क्या होती है। आज के शो में मैंने वही समझाया है कि व्हाट इज मेडिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ मेडिटेशन। फिर डिलीट कर देना, फिर अनसब्सक्राइब कर लेना। वो मेरा गुरु का आशीर्वाद है। हिंदुस्तान में कुछ चीजें बहुत प्यारी हैं, उसमें से एक है गुरु। गुरु मतलब वो नहीं जो आपकी इच्छाएं पूरी करे कि बाबा मेरी शादी नहीं हो रही, ये सब गुरु नहीं करता। ये सब तो खुद करना पड़ता है। हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग बाबाओं के पास जाते हैं, शादी कराओ दो, नौकरी करा दो, बच्चा पैदा करा दो, वो भी बेटा कराना। बाबा जी बिजनेस नहीं चल रहा है, भिख मंगे तेरा कभी नहीं चलेगा, बैठ जा। ये सब बाबा का काम नहीं। बाबा का काम है, संतों का काम है डायरेक्शन देना। आपकी जिंदगी में अंधेरा है, उनके पास रोशनी है, वो अपनी कैंडल से आपकी कैंडल को जला देते हैं। बस इतना सा उनका काम है। वैस ने क्या किया? एक्चुअली ये एक 5 मिनट की स्टोरी सुना देता हूं, फिर सेशन ओवर कर देता हूं। जब मेटरलिज्म वेस्ट में राइज करने लगा ना, बढ़ने लगा मेटरलिज्म, तो पश्चिम के लोग बहुत परेशान हुए, वेस्ट यूरोप और अमेरिका के। तो जब ये लोग बहुत परेशान होने लगे तो इनको लगा यार सॉल्यूशन कैसे मिले यार, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आ गई, अब हम लोग क्यों दुखी हैं? भाई गरीब आदमी क्या सोचता है कि प्रॉस्पेरिटी आ जाएगा तो सुख हो जाएंगे। वेस्ट के पास जब प्रॉस्पेरिटी आई 19th century 20th century, फिर ये और दुखी हो गए। इनके एक कल्चर आ गया, हिप्पी कल्चर। हिप्पी नंगे घूम रहे हैं। फिर वेस्ट के लोग बड़े परेशान हुए कि यार ये तो फिर से स्टोन एज में पहुंच गया आदमी। स्टोन एज में नंगा घूमता था सही था, ये आज नंगे घूम रहे लड़के हमारे। गांजा पी लिया, अफीम पी ली, गाना गा रहे दम मारो दम। जिस यूथ को इस्तेमाल करना है प्रोग्रेस में, वहां वो नशा करके गाना गा रहे, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे। फिर वेस्ट बड़ा परेशान हुआ कि यार प्रॉस्पेरिटी से पागलपन आता है क्या? तब इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान के संत बुलाने शुरू किए। तो विवेकानंद पहुंचे अमेरिका, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तब उन्होंने कहा कि मेटरलिज्म इज अ पॉइजन विदाउट स्पिरिचुअलिज्म। अगर स्त्री दे दी गई तुमको वुमन और तुम स्पिरिचुअल नहीं हो, मार डालेगी तुमको, तुम्हारा खून पी जाएगी। लोगों ने अच्छा भाई, वुमन के कितने रूप हैं? मां का रूप है, बहन का रूप है, भाभी का रूप है, चाची, कितने सारे रूप हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टेक्निकल रूप किसको पोर्ट्रे किया गया? पत्नी का। सब पत्नियों का मजाक उड़ाते हैं, 98% लोग दुनिया में पत्नी का मजाक उड़ाते हैं कि भाई हमारी पत्नी परेशान कर रही है। तो कभी तुमने सोचा क्यों कर रही है? कोई तो रीजन होगा ना। तुम मां का रूप रंग तो नहीं देखते? किसी को इस बात का दुख है कि उसकी मां छोटी हाइट की है, कि उसकी मां डार्क कलर की है? नहीं है किसी को दुख। तुम पत्नी का रूप रंग क्यों देख रहे हो? तुम एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, उसे यूज करना चाहते हो। तो जब तुम किसी को यूज करना चाहते हो, वो तुम्हें नहीं करेगा। और तुम गए 100-200 लोगों को ढोल ढोल बजाते हुए, तो समझी कि पावरफुल आदमी है, तलवार उलवार लेकर आया है। और जब उसको अपने घर तुम लेकर आए, कितनी बड़ी बात है जो सिर्फ औरतें कर पाती हैं, अपना घर छोड़ना। तुम कभी इमेजिन करके देखो कि तुम्हारा घर तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है। तुम अपना घर छोड़ आई, जिसके पास आई, रात में गोली चली, वो चारपाई के नीचे लेटा हुआ है, कह रहा था देखो कौन गोली चला रहा है। तो वो फिर लेडी को क्या सोचेगी कि अरे तुम गए तो थे तलवार लेके? बोले नकली थी।
फिर विवेकानंद गए, फिर स्वामी राम तीर्थ गए, फिर परमहंस योगानंद गए। तो वेस्ट को एक बात पता चली कि अच्छा, ओहो, स्पिरिचुअलिज्म इज द सेफ्टी वॉल फॉर कैपिटलिज्म, और इंडिया का तो स्पिरिचुअलिज्म इतना स्ट्रॉन्ग। तो इन्होंने क्या किया, वेस्ट के लोगों ने इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को डिफेम करना शुरू कर दिया। भाई तुम पढ़ोगे, तैयारी करोगे, तुम्हें स्ट्रेस होगा तो तुम ध्यान कर लोगे, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ध्यान करोगे तब शराब कैसे बिकेगी? अगर तुम ध्यान और योग करोगे तो सिगरेट ये कैसे बेचेंगे? क्योंकि जब स्ट्रेस क्रिएट होगा तो कोई तो रास्ता चाहिए ना उसे डिसॉल्व करने के लिए, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। तब इन्होंने कहा कि ओ डिफेम इंडियन स्पिरिचुअलिज्म। तुम एक मजेदार बात देखो, अमेरिका और वेस्ट हमारे संतों को बुलाता है, इज्जत करता है, और हमारे यहां अगर ये हमारे संत इतने ही बुरे होते तो तुम वहां क्यों बुलाते हो? जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे तो जिस मकान में रुके थे आज भी हेरिटेज के रूप में है वहां। हमारे सेंट को तुम इतनी इज्जत देते हो अपने यहां बुलाकर, और हमारे यहां तुम सीरीज बनवाते हो और उस सीरीज का नाम रखते हो आश्रम। और जब आश्रम सीरीज कोई आदमी देखेगा, खासकर बच्चा देखेगा, तो उसके मन में क्या भाव पैदा होगा कि ये गुरु वुरु सब यही सब करते हैं, रेप ओप करते हैं बस। तो एक नेगेटिव माइंडसेट लेकर वो लड़का बड़ा होगा। ये इनकी कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि ये जानते हैं कि इस्लाम से नफरत करते हैं बहुत। अब मुस्लिम लड़की बुर्का पहन रही है, अब सबसे ज्यादा दिक्कत किसको? फ्रांस को है। सबसे ज्यादा बुर्का को लेकर कार्रवाई कहां हुई? फ्रांस पे हुई। क्योंकि अगर लड़की बुर्का पहनेगी तो कॉस्मेटिक कौन यूज करेगा, और कॉस्मेटिक प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर है फ्रांस। अब वो लड़की की मर्जी, बुर्का पहने बोरा ओढ़ ले, तुमसे क्या मतलब है? अब कोई लड़की क्लास में आए बोरा ओढ़ के, ठीक है उसकी मर्जी, इंडिपेंडेंट है वो, तुम कहीं हटा रहे उसको। लेकिन इनको पता है कि अगर वो बुर्का पहनेगी तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पे अटैक हो जाएगा। भाई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी तो चलानी है, फेयर एंड लवली भी तो बेचनी है। तो ये चीज है, इसलिए हमारे देश में अभी क्या है ना, ठीक है धीरे धीरे, इसलिए मैंने गीता पढ़ाना शुरू किया और डायग्रामाइज करके। आज दो लोग आ रहे हैं अमेरिका से मिलने के लिए, अभी यहीं वन मिनट, यू आर लाइक अ सेंट। अरे मैंने कहा यू आर कंफ्यूज्ड, आई एम नॉट अ सेंट, क्रिमिनल। नो 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 नो, वी आर इंस्पायर्ड बाय यू। अरे जाओ यार, वी आर इंस्पायर्ड बाय यू, जाओ अपना काम। तो गुरु का आदेश है तो मैं कर रहा हूं, वो कल मना कर देंगे मैं नहीं करूंगा, वो तो उसका आदेश है कि पढ़ाओ तुम मास्टर। मैंने कहा जी मैं वहां बोले पढ़ाओ, और हमारा गुरु कभी स्कूल ही नहीं गया, गीता लिख डाली। ईयर्स है लाइफ इस वक्त उनकी उम्र 98, जिसकी तरह वैसे देख लेते हैं वो डर के मारे बेहोश हो जाता है, बड़ी बड़ी मूछ है और सिर्फ एक चैनल देखते हैं डिस्कवरी, और उसमें भी हंटिंग ऑफ द टाइगर्स एंड लायन एंड ऑल, बाकी कुछ नहीं। किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किससे बात करनी है, वो डिसाइड करते हैं, कोई और डिसाइड नहीं करता। कि साहब पीएम का फोन आया, मैंने कहा छोड़ो हटाओ बात नहीं करनी। अब उनके जिससे परेशान है वो थोड़ी डायरेक्टली मना कर सकते हैं कि साहब वो पीएम मिलना चाहते हैं, नहीं मिलना रख दो, मैं डिसाइड करूंगा मैं किससे मिलना है। कभी स्कूल नहीं गए, कहते मुझे सिर्फ दो वर्ण आते हैं, शब्द नहीं वर्ण, एक रा और एक मा, राम।
यहां भी आश्रम है, महाराष्ट्र में 3-4 आश्रम है, यहाँ है पता नहीं, वहां पे आते हैं, क्या कहते हैं, मुंबई में पालघर में, पालघर में उनका बड़ा आश्रम है, पालघर मुंबई में तो ना, मतलब पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में यहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो आश्रम है शायद पालघर का है, नासिक में भी है, पुणे में मुझे पता नहीं, पर होगा जरूर।